इंडियन रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक व्यक्ति ने भारत का सबसे बड़ा 30,000 करोड़ रुपयों का स्कैम अंजाम दे दिया। ये स्कैम इतना बड़ा था जिसके आगे हर्षद मेहता का किया गया 5,000 करोड़ का स्टॉक मार्केट स्कैम तक छोटा लगने लगा। नहीं, ये व्यक्ति दूसरों की तरह बैंक के पैसे लेके नहीं भाग गया और ना ही इसने कोई डकैती अंजाम दी, बल्कि इतना सारा पैसा उसने गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर बेचकर कमाया था। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो तब हुई जब इंडिया के सबसे बड़े स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि IAS ऑफिसर और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी सामने आने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन था ये शख्स और उसका इतना बड़ा स्कैम लोगों के सामने कैसे आया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म साल 1961 में कर्नाटका के खानापुरा में हुआ था, जहां उसके फादर एक रेलवे एम्प्लॉय थे। मगर तेलगी के बचपन में ही उसके फादर की मौत हो जाने की वजह से उसको मजबूरी में ट्रेन्स में फल और सब्जी बेचकर अपना घर चलाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी तेलगी ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और साल 1984 में गोकते कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना BCom कम्प्लीट किया। ये वही पीरियड था जब गल्फ में तेल निकलने के बाद वहाँ डेवलपमेंट बड़ी तेजी से चल रहा था। इसी वजह से अब्दुल करीम तेलगी भी सऊदी अरेबिया में अपॉर्चुनिटी देखते हुए वहीं चला गया और सऊदी अरेबिया पहुंचकर वो ये देखता है कि तेजी से डेवलपमेंट की वजह से गल्फ कंट्री में लेबर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए 7 साल वहीं काम करने के बाद वो जब इंडिया लौटता है तो वो मुंबई में अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम से एक एजेंसी की शुरुआत करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन लेबर्स को फेक डॉक्यूमेंट बनाकर गल्फ कंट्री भेज सके। ये वो पहला काम था जिसमें अब्दुल करीम तेलगी ने स्कैम करने की दुनिया में कदम रखा था, बल्कि उसने इस काम में काफी पैसा छापना तक शुरू कर दिया था। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि फेक डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को बाहर भेजने पर भले ही इंडियन अथॉरिटी से लोग बच जाते थे, मगर बाहर कंट्री में कभी कदार धर दबोचे जाते थे। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर था तो इन केसेस में पुलिस अथॉरिटी फौरन ही हरकत में आती थी। और साल 1993 में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की वजह से तेलगी को पहली बार पुलिस हिरासत में भी लेती है, जिसकी वजह से अब्दुल करीम तेलगी को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन जेल तेलगी के लिए सजा की तरह नहीं, बल्कि उसकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित होती है, क्योंकि जेल के अंदर अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात रतन सोनी नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि जेल में ही नकली स्टैम्प बनाने के लिए सजा काट रहा था। रतन सोनी जेल में तेलगी को ये बताता है कि किस तरह वो पुराने यूज करे हुए स्टैम्प पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर दोबारा से नए की तरह बेचता था। इसके अलावा रतन तेलगी को ये भी बताता है कि इस धंधे में उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा पैसा है। इसके अलावा वो तेलगी को ये भी बताता है कि इंडिया का स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट काफी बैकवर्ड है और इस डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की धांधली बहुत जल्दी से पकड़ भी नहीं आती। इसीलिए साल 1994 में तेलगी और रतन के जेल से छूटने के बाद दोनों स्टैम्प पेपर का बिजनेस करने का फैसला करते हैं। मगर उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि स्टैम्प पेपर का बिजनेस करने के लिए सरकार से स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस भी चाहिए रहता था, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस होल्डर ही स्टैम्प पेपर्स बेच सकते थे। इसीलिए रतन अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके सबसे पहले उस टाइम के रेवेन्यू मिनिस्टर से सिफारिश लगवाता है ताकि तेलगी को स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस मिल सके, और रतन का ये प्लान काम भी करता है और रेवेन्यू मिनिस्टर की सिफारिश पर तेलगी को स्टैम्प पेपर का लाइसेंस मिल भी जाता है। और फाइनली जाकर अब्दुल करीम तेलगी पुराने स्टैम्प पेपर से नए स्टैम्प पेपर बनाने का धंधा शुरू करता है, जहां इस बिजनेस में एंट्री के बाद तेलगी को स्टैम्प पेपर बिजनेस के और पहलू के बारे में पता चलता है, बल्कि अब वो स्टैम्प पेपर बिजनेस के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में मास्टर बन चुका था। इसीलिए तेलगी ने इस स्टैम्प पेपर स्कैम में हद से ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था और उसने अपने इस बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट और यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर तक को पैसे से खरीदना शुरू कर दिया था। मगर अचानक से स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट से कुछ डिस्प्यूट की वजह से कुछ ऐसा होता है जिसके बाद न सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, बल्कि उसे नकली स्टैम्प पेपर बेचने की वजह से डिपार्टमेंट उसके खिलाफ पुलिस में FIR तक लॉन्च कर देता है। हालांकि तेलगी के पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे कनेक्शंस और टाइम टू टाइम रिश्वत भिजवाने की वजह से इस बार वो जेल नहीं जाता, मगर इस हादसे की वजह से वो ये समझ जाता है कि उसे अब अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा, क्योंकि स्टैम्प पेपर बिजनेस में फॉर्जरी का जो वो स्कैम कर रहा था वो तो काफी छोटे लेवल का गेम था, बल्कि इस स्टैम्प पेपर के धंधे में हद से कहीं ज्यादा पोटेंशियल था। इसलिए उसका खुद का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद वो एक नया प्लान बनाता है।
जिसके हिसाब से वो इस बार काफी बड़ा हाथ मारने का फैसला करता है, जिसमें वो पूरे इंडिया भर में अलग अलग लोगों के नाम से कंपनी स्टार्ट करता है, जहां वो इस बार डायरेक्ट स्टैंप पेपर्स, इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स और यहां तक की बड़ी फर्म को बेचने की बजाय अब गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस होल्डर को काफी डिस्काउंटेड रेट पर स्टैंप पेपर बेचने का फैसला करता है। और क्योंकि तेलगी मार्केट से भी कहीं कम रेट पर स्टैंप पेपर्स बेच रहा था, इसलिए गवर्नमेंट अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर तक उससे स्टैंप लेने से मना नहीं करते। और तो और अपने बिजनेस को स्मूथली पूरी कंट्री में रन करने के लिए वो 200 MBA ग्रेजुएट तक को हायर करता है। लेकिन अगली जो बड़ी समस्या तेलगी के सामने खड़ी थी वो ये थी कि अब वो एक शहर की जगह पूरे देश में ही स्टैंप पेपर बेच रहा था, इसलिए उसके पास स्टैंप पेपर्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, मगर पुराने स्टैंप पेपर की सप्लाई बहुत कम। जिससे तेलगी ये तो समझ जाता है कि अगर उसको स्टैंप पेपर मार्केट में लंबा हाथ मारना है तो उसे पुराने स्टैंप पेपर वाले मॉडल से बाहर निकलना होगा और उसकी जगह अपने खुद के स्टैंप पेपर छापने होंगे, जिसके लिए अब्दुल करीम तेलगी अपना नेक्स्ट मूव चलता है। और वो अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के साथ, जहां पर एक्चुअली में ओरिजिनल स्टैंप पेपर प्रिंट होते थे। और वहां पहुंचने के बाद उसे ये सीक्रेट पता चलता है, जो मशीन स्टैंप पेपर प्रिंट करने के काम आती थी वो अगर पुरानी हो जाती थी तो उसके एक एक पार्ट को डिसमेंटल करके लोहे के भाव ऑक्शन कर दिया जाता था। ये पता चलते ही तेलगी अपनी कंपनी से बिट करके उन सारी मशीनों के पार्ट्स को ऑक्शन में ज्यादा पैसे बिट करके खरीद लेता है, क्योंकि और लोगों के लिए बस लोहे के पुर्जे थे, पर अब्दुल कलीम तेलगी के लिए ये कुबेर के खजाने से कम नहीं था। इसीलिए इस मशीनों के पुर्जे खरीदने के बाद वो एक्सपर्ट से इन मशीनों को दोबारा से असेंबल करवाता था और उसे बिल्कुल ओरिजिनल जैसे स्टैंप पेपर प्रिंट करने लगता है। और क्योंकि ये एग्जैक्टली वही मशीन थी जिससे गवर्नमेंट ओरिजिनल स्टैंप पेपर प्रिंट करती थी, इसीलिए एक्सपर्ट के चेक करने के बाद भी और यहां तक लाइसेंस होल्डर स्टैंप पेपर डिस्ट्रीब्यूटर तक को शक नहीं होता कि ये स्टैंप पेपर नकली है। ये करते करते अब्दुल करीम तेलगी ने न सिर्फ पूरे देश के स्टैंप पेपर मार्केट को कैप्चर कर लिया था, बल्कि जो भी उसके रास्ते की अड़चन बनता वो उसे पैसे देकर खरीद लेता था। इसके अलावा वो स्टैंप पेपर डिपार्टमेंट में पैसा भेजकर सीरियल नंबर का ऑर्डर तक मैनिपुलेट करवा दिया करता था। इसी धांधली और इतने बड़े नेटवर्क की वजह से ही तेलगी ने इस धंधे में 30,000 करोड़ रुपए जितना बड़ा अमाउंट तक कमा लिया था। और इतने बड़े स्कैम के बावजूद भी सिस्टम में रहने वालों के अलावा किसी को भी इतने बड़े स्कैम की कानों कान खबर तक नहीं होती। मगर फाइनली जाकर तेलगी का ये स्कैम मीडिया के बीच तब हाईलाइट होता है जब तेलगी एक रात अपनी अय्याशी करने के लिए एक बार जाता है और उसी रात सिर्फ एक बार डांसर पर 93 लाख जितना बड़ा अमाउंट उड़ा देता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 93 लाख, वो भी उस टाइम पर। मीडिया के बीच ये मामला हाईलाइट होने पर उस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग करी जाती है, मगर तेलगी ने वैसे भी ऊपर से नीचे तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खरीद रखा था और इस स्कैम में कोई भी फर्म उसके नाम रजिस्टर ही नहीं थी, इसलिए वो बच भी जाता है। मगर जैन तिनेकर नाम के एक व्यक्ति जो कि उसी गांव के थे जिसमें तेलगी रहा करता था, वो एक बहुत बड़े विसिल ब्लोअर साबित होते हैं तेलगी स्कैम में, क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे। और जब वो ये देखते हैं कि तेलगी ने इतने जल्दी इतना पैसा कमा लिया है तो उन्हें तेलगी पर शक होता है और वो अपनी ओर से थोड़ी पड़ताल करते हैं। इसके अलावा मीडिया में मामला हाईलाइट होने पर और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर का नाम आने की वजह से ऑपोजिशन मिनिस्टर इस मामले में CBI की इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। और फाइनली जाकर CBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद जाकर ही कई पुलिस ऑफिसर्स मिनिस्टर के नाम इस स्कैम से जुड़ने लगते हैं। और हैरानी की बात तो तब होती है जब CBI इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम तेलगी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ में हुई पैसों की लेन देन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, तभी जाकर इतना बड़ा स्कैम प्रूफ हो पाता है। मगर इतने बड़े स्कैम के बावजूद भी गवर्नमेंट को अब्दुल करीम तेलगी सारे फेक स्टैम्प को लीगलाइज करना पड़ता है, क्योंकि 9 साल तक चले इतने लंबे स्कैम में गवर्नमेंट के लिए भी ये पता लगाना नामुमकिन था कि पूरे देश में कौन से स्टैम्प पेपर असली हैं और कौन से स्टैम्प पेपर नकली। हालांकि कुछ सालों बाद तेलगी की डेथ डायबिटीज और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हो जाती है, मगर आज भी लोग ये मानते हैं कि तेलगी को जानबूझकर मरवा दिया गया था ताकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम छुपाए जा सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जताते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।